हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो है क्या अश्वगंधा प्रेगनेंसी के टाइम में खाना सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अश्वगंधा होता क्या है। इट इज़ अ मेडिसिनल हर्ब, मतलब ये एक मेडिसिन है। जो हर्ब्स होते हैं बहुत सारे उसकी कैटेगरी का, और ये जो है स्ट्रेस को मैनेज करता है और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन क्या ये प्रेगनेंसी के टाइम पे खाना सही है? तो जो आंसर है वो है अ बिग नो, बिल्कुल भी नहीं। अश्वगंधा प्रेगनेंसी के टाइम पर बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शंस ला सकता है और अबॉर्शन तक इंड्यूस कर सकता है। लेकिन अगर आप फिर भी इसको खाना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करिए। तो वैसे इसके फ़ायदे जानते हैं कि अगर हमें इसे प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम खाना हो तो इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर प्रेगनेंसी के टाइम खाना है तो इसके क्या नुकसान है। तो सबसे पहले बात करें, ये बहुत एनर्जी देता है बॉडी को, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, लाइवली फील होगा, अच्छा फील होगा। और इसको एज अ डिलीवरी, आफ्टर अ डिलीवरी सप्लीमेंट की तरह भी लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेस फ्री रखता है बॉडी को। अगला इसका फ़ायदा है कि एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रखता है, रीगेन में हेल्प करता है एनर्जी लेवल के, और मिल्क प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है। लेकिन इसके क्या नुकसान है, इसे हमें प्रेगनेंसी के टाइम पे कंज्यूम क्यों नहीं करना चाहिए? तो सबसे बड़ा इसका नुकसान है कि इसमें जो भी चीज़ें, ये बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, तो इसमें बहुत सारे हर्ब्स यूज़ होते हैं। आप उनके बारे में अपनी खुद की रिसर्च करेंगे, हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ के फ़ायदे हैं, कुछ के नुकसान हैं। तो ओवरऑल जो है वो नुकसान ही है। लेकिन अगर आपके लिए फिर भी बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप खाना ही चाहते हैं, तो आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से पूछिए, या फिर खाने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए, अपना होमवर्क खुद करिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथों में होती है। आपकी बॉडी का सिर्फ सवाल नहीं है, आपकी बेबी का भी सवाल है। एज अ मदर टू बी आपको खुद देखना है कि क्या चीज़ें आपकी बॉडी के लिए सेफ़ है, क्या आपके बच्चे के लिए सेफ़ है। तो अपना पूरा ढंग से होमवर्क करके, अपने डॉक्टर से बात करके, अगर आप खाना चाहते हैं और अगर आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।